अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? अच्छा जी, अब हम लोगों ने करना है आज फेच एग्जीक्यूट साइकिल। फेच एग्जीक्यूट साइकिल स्टार्ट करते हैं और उसके बाद देखते हैं, अगर इंटरप्ट कर सके तो इंटरप्ट भी आज कर लेंगे। सही, चलो जी। चलो पहले हम बेसिक बात करेंगे फेच एग्जीक्यूट साइकिल की, फिर हम इसमें नोटेशंस को देखेंगे। नोटेशंस की जो डायग्राम्स हैं वो बहुत ज़्यादा आती हैं आप लोगों के पास, तो हमें दोनों चीज़ों को कंसिडर करना है। सही है, तो पहले से वो सिर्फ इसके कंटेंट पे फोकस करते हैं, कंटेंट को समझने की कोशिश करो। और इसके अंदर कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों का रजिस्टर्स का इस्तेमाल हो रहा होगा। रजिस्टर्स क्या चीज़ हैं? जो हमने पहले टेम्पररी मेमोरी पढ़ी हुई थी, एक दफ़ा उनको रिकॉल कर लेते हैं इसको पढ़ने से पहले। सही है जी, इसको हमने यहाँ किया, लेट्स गो बैक। यार क्या खूबसूरती है, नोट्स में मजा आ जाता है देख के। उफ, चलो आ जाओ। प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जो आपको अभी परफॉर्म करनी है, वो बेसिकली कहाँ में मिलेगी आपको? प्रोग्राम काउंटर के अंदर मिलेगी। देन यू हैव MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, विच बेसिकली स्टोर्स मेमोरी एड्रेस वेयर द डेटा इज टू बी रेड फ्रॉम। MDR स्टोर्स डेटा दैट हैज जस्ट बीन रेड फ्रॉम मेमोरी। MDR डेटा स्टोर करता है जो कि अभी अभी मेमोरी से हमने रीड किया है। CIR करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इट बेसिकली स्टोर्स द इंस्ट्रक्शन दैट इज करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। जो इंस्ट्रक्शन है वो CIR के अंदर मौजूद होगी। IX इंडेक्स रजिस्टर, इट इज यूज फॉर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। ACC अक्यूमुलेटर इज द रजिस्टर विद डेटा। वैसे आप लोगों के सिर्फ ये चार इस्तेमाल होंगे अभी फिलहाल। अक्यूमुलेटर पे भी एक दफ़ा रिवाइज करें तो कर ही लो इनको। इज द रजिस्टर विद द डेटा इज वर्कड ऑन, और जहाँ पे भी सारी चीज़ें प्रोसेसिंग हो रही होती है वो ACC होता है आपका। स्टेटस रजिस्टर इज द इंटरप्रिटेड एज इंडिपेंडेंट फ्लैग्स, ईच फ्लैग इज सेट डिपेंडिंग ऑन एन इवेंट। सही है, तो अब ज़रा वापस चलते हैं, जो आज का काम है उस चीज़ को देखते हैं। ओके जी, पोर्ट्स हो गए। पोर्ट्स के बाद वी आर सपोज टू डू फेच एग्जीक्यूट साइकिल। चलो अब इसको पढ़ते हैं। PC holds द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। इसको बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर याद करना है। प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्या चीज़ मौजूद है? प्रोग्राम काउंटर के अंदर इट बेसिकली होल्ड्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। जो अब आपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच करनी है वो बेसिकली कहाँ पे मौजूद है? वो PC के अंदर मौजूद है। सही है जी। द एड्रेस इन प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्या मौजूद है? एड्रेस मौजूद है। द एड्रेस इन प्रोग्राम काउंटर इज कॉपी टू MAR। जो भी एड्रेस आपका प्रोग्राम काउंटर के अंदर मौजूद है वो एड्रेस कहाँ चला जाएगा? MAR। MAR क्या था? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर आपका एड्रेस जो है, जो कि प्रोग्राम काउंटर में मौजूद था, वो आपका कॉपी हो जाएगा MAR के अंदर। सही है, और प्रोग्राम काउंटर को हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे बाय वन, ताकि हम लोग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम काउंटर के अंदर स्टोर कर लें। इंक्रीमेंट बाय वन इज इंक्रीमेंटेड, मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। द इंस्ट्रक्शन इज कॉपीड फ्रॉम एड्रेस। जो भी इंस्ट्रक्शन आप लोगों की MAR के अंदर मौजूद है, जो एड्रेस आप लोगों का MAR के अंदर मौजूद है, हम उस एड्रेस पे जाएंगे, उस एड्रेस पे जो भी इंस्ट्रक्शन या जो भी डाटा पड़ा होगा उसको हम उठा के MDR के अंदर लेकर आएंगे। सही है, MDR के अंदर डाटा आ जाएगा। जब MDR के अंदर डाटा आ चुका है, देन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द MDR, अब उस MDR से इंस्ट्रक्शन आपकी कहाँ चली जाएगी? CIR, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर चली जाएगी। पूरा प्रोसेस इसको मैं फिर रिपीट करूंगा बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नोटेशंस। पहले हम नोटेशंस को देख लें, फिर उसके बारे में बात करेंगे। सही है, अभी से इसको लिखो। बताता हूँ। देखो, डेटा जो है वो पहले आपका HDD में, HDD से RAM, RAM से फिर आप लोगों का रजिस्टर्स। यहाँ तक लिखो पहले इसको, फिर मैं इसको समझाऊंगा। अभी रुक जाओ, अभी कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ, इसको हम लोग नोटेशन के जरिए समझेंगे, वो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा उस तरह से। इसको लिखो पहले। अब्दुल मनम, यस। इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा
अब इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ, फेच एग्जीक्यूट साइकिल को क्वेरी इस चीज से। दिस इज बेसिकली द नोटेशन। देखो इसको समझते हैं, आपका डेटा जो है, आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पे मौजूद है, वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर मौजूद है। सबसे पहला स्टेप देखो, आपकी इंस्ट्रक्शन कहाँ पे मौजूद है, प्रोग्राम काउंटर के अंदर मौजूद है। वो इंस्ट्रक्शन आप बेसिकली उसको, उसका जो एड्रेस है, इंस्ट्रक्शन भी नहीं मौजूद, आपका एड्रेस ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन पीसी के अंदर लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 401 ले लेते हैं, 401 इज बेसिकली अ मेमोरी एड्रेस जो कि कहाँ मौजूद है, पीसी के अंदर, प्रोग्राम काउंटर के अंदर। इस 401 को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे MAR के पास। MAR के अंदर क्या स्टोर हो चुका है, 401। अब सपोज करते हैं 401 के पास डाटा पड़ा हुआ था, इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है यहाँ पे एड या LD, उसको कर देते हैं INC कर देते हैं, चलो इंक्रीमेंट। 401 पे एक इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है INC के नाम से, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर के अंदर आपके पास एड्रेस मौजूद था, एड्रेस ऑफ व्हाट, एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब वो एड्रेस हम लोगों ने भेज दिया है MAR के पास, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास जा चुका है, अब हमने क्या किया, PC इज इक्वल टू PC+1 इंक्रीमेंट करवाया। यहाँ पे देखो इस पॉइंट को पढ़ो, प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड। इंक्रीमेंटेड मतलब जो भी अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हम उसकी तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी सीक्वेंस वाइज चल लेते हैं, तो 402 पे जो भी इंस्ट्रक्शन होगी यहाँ पे वो आपकी प्रोग्राम काउंटर के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सही है, इंक्रीमेंट हो गया। इंक्रीमेंट करवाने के बाद इस डबल ब्रैकेट्स का क्या मतलब है, इसको मैं लिखवा दूंगा, अभी सिर्फ इसको समझ लो। डबल ब्रैकेट्स का ये मतलब होता है MAR में जो एड्रेस स्टोर हुआ हुआ है 401, 401 पे जाओ और उस पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको उठा के MDR के अंदर रख दो। फिर पूरी साइकिल को सुनो, फिर पूरी साइकिल को सुनो। 401 पे 40 पड़ा हुआ है, सही है। डबल ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है कि इस एड्रेस पे जाओ, MAR के अंदर क्या मौजूद था, 401। अब अगर MAR डबल ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं, दैट मीन्स वॉट, कि इस एड्रेस पे जाओ और जो भी डेटा पड़ा हुआ है उस वैल्यू को MDR के अंदर स्टोर कर दो। सही है, क्योंकि MDR के अंदर डेटा मौजूद होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने कहा कि भाई MDR के अंदर डेटा ऑफ MAR को स्टोर कर दो। सही है, आपके पास डेटा आ गया, जो भी इंस्ट्रक्शन थी आपके पास वो आ चुकी है, MDR के अंदर मौजूद है। अब MDR भाई क्या करेंगे, उसको भेजेंगे CIR के पास, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास। करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर क्या चीज़ स्टोर हुई होती है, इंस्ट्रक्शन विच इज बींग एग्जीक्यूटेड। सही है, ये पूरी साइकिल है, फेच एग्जीक्यूट साइकिल, जो कि आप लोगों की परफॉर्म हो रही होती है इस तरीके से। सर अगर एड्रेस की जगह डेटा की बजाय इंस्ट्रक्शन हो तो, नहीं ऑपोजिट बोल लो, अभी हमने इंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट किया, सेम केस है अब्दुल मुनव, दोनों के लिए सेम केस है। बस CIR के अंदर नहीं जाएगी, अगर डाटा होगा MDR तक रहेगी। देखो दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो इंस्ट्रक्शन होगा या तो डाटा होगा, अगर इंस्ट्रक्शन होगी तो वो CIR के अंदर चली जाएगी वरना MDR के अंदर रहेगी। सही है, अच्छा इनके सवाल कैसे आते हैं, CIR में क्या होता था, CIR में करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, जो भी करंट इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो रही होती थी वो स्टोर हुई होती थी। सही है, अब देखो अब होगा क्या कि आपको उसके सवालात आएंगे कैसे, अब वो ये चीजें करता है आपके साथ, खेलता है बैठ के ना। सपोज करो कि इस चीज को मैं जरा कॉपी पेस्ट कर दूं नीचे, मैं इरेज कर दूंगा, सिर्फ समझा रहा हूँ कि इसके सवाल आते कैसे हैं। एग्जामिनर को बहुत शौक है खेलने का आप लोगों के साथ। सपोज करो वो आपको ये चीज़ रिमूव कर देगा और आपको इसको -1 कर देगा और सबसे ज्यादा जो उसको पसंद है वो ये डबल ब्रैकेट्स को हटा देता है। अब बोलता है कि भाई इसमें गलती क्या है, और कुछ एरो उसके कभी कभी उल्टा कर देता है। सही है, अब आपसे बोलेगा गलती क्या है, तो अब आपको उसको सही करना होगा। भाई सबसे पहले चीज़ें जो हैं वो इसका जो प्रोसेस है उसको याद रखो, इस चीज़ का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इन चीज़ों को याद रखो जो मैंने यहाँ पे एज पॉइंट्स लिखवाए हैं। PC जो है होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड, जो एड्रेस है प्रोग्राम काउंटर से वो कॉपी हो रहा है MAR के अंदर, इसको इस तरीके से याद करो। और इसको एग्जैक्ट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
रट्टा मत मारो, इसको एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं, जो कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं उसको अपने अल्फाज में लिख देना, दैट्स इट। फिर प्रोग्राम काउंटर को हम इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट करने के बाद जो भी इंस्ट्रक्शन है, द इंस्ट्रक्शन इज कॉपीड फ्रॉम एड्रेस, उस एड्रेस पे जाओ, उसकी वैल्यू उठाओ एम ए आर से, एम ए आर के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जाओ, वैल्यू को उठाओ एम डी आर के अंदर स्टोर कर दो, फिर देन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एम डी आर इज कॉपीड टू सी आई आर। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखो, अब उसके मुताबिक इस चीज़ को सॉल्व करो कि अब आप लोगों का एरो जो है, आप बताओगे कि भाई लाइन नंबर 2 में मसला है, एरो शुड बी ऑपोजिट, और यहाँ पे फिर इन द ब्लैंक होंगी तो यहाँ पे लिख देना एम डी आर। आप बोलेगा कि भाई लाइन नंबर 3 में एरर है, क्यों एरर है, डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स आने चाहिए, पीसी का डिक्रीमेंट नहीं होता, इंक्रीमेंट होता है तो प्लस का साइन आना चाहिए, तो ऐसे आप लोगों के सवाल इसमें आ रहे होते हैं। सही है, ये है बेसिक आपकी फेच एग्जीक्यूट साइकिल। लेट मी इरेज दिस, लिखो जल्दी से इसको, और अब इन पॉइंट्स को पढ़ो। पहले इन पॉइंट्स में अब कोई इश्यू है तो मुझे बताओ। वो आपसे बोलता है कि भाई यू आर सपोज टू एक्सप्लेन फेच एग्जीक्यूट साइकिल, तो ये 5 पॉइंट्स आपके लिखने जरूरी हैं, जल्दी से करो इसको। लिख लिया, एक दफा पढ़ो इसको, सारे पॉइंट्स को। चलो भाई, फेच एग्जीक्यूट साइकिल हो गई, नाउ यू हैव द कॉन्सेप्ट। अच्छा एक चीज़ और पूछता है वो आप लोगों से ना, इसमें वो कभी कभार पूछता है कि भाई इस डबल ब्रैकेट का क्या मतलब है, तो ज़रा इसको लिख लो आपसे, इसका सवाल भी दिखा देता हूँ, फिर आएंगे जो तुम कह रहे थे ना डायग्राम के बारे में, डायग्राम को डिटेल में स्टडी करता हूँ। द थर्ड इंस्ट्रक्शन एम ए आर हैज़ अ डबल ब्रैकेट्स, स्टेट द पर्पज ऑफ डबल ब्रैकेट्स। क्या पर्पस है? द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एम ए आर इज एन एड्रेस, जो एम ए आर के अंदर स्टोर हुआ हुआ है वो एड्रेस स्टोर हुआ हुआ है, सही है, इट इज द कॉन्टेंट ऑफ दैट एड्रेस, उस एड्रेस पे जाना है, हमें एड्रेस नहीं चाहिए, हमें डाटा चाहिए जो कि उस एड्रेस पे मौजूद है, विच इज ट्रांसफर टू एम डी आर, इसका ये मतलब होता है डबल ब्रैकेट्स का, सही है। अब जरा बात करते हैं आप लोगों से, एक डायग्राम आती है आप लोगों के एग्जाम के अंदर जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो डायग्राम है कंप्यूटर कंपोनेंट के हवाले से, इट इज़ नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ फेच एग्जीक्यूट साइकिल, ये बेसिकली वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर समझ लो, या बेसिकली इसको कहते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स, तो उसका बेसिकली क्वेश्चन आता है, उस चीज़ को देखते हैं। नेक्स्ट आई गेस, चलो इस डायग्राम को ड्रॉ मत करने बैठ जाना, नोट से ही करना। देखो अब एक काम करना है, तुम लोगों ने सवाल सेम आएगा, नहीं भी आए सेम तो इस चीज़ के जो की पॉइंट्स हैं वो बनाने हैं तुम लोगों ने खुद, सही है। इस डायग्राम को देखो, सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना सीखो कि इस डायग्राम से तुम होता क्या, सवाल कैसे आते हैं। जैसे इस सिनेरियो में ना, इन लोगों ने ये चीज़ें हटाई हुई थी, जैसे ये कंट्रोल यूनिट है ना, तो ये मैंने खुद यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा है, इसको सपोज करो रिमूव कर देते हैं, तो ये बॉक्स उन्होंने खाली कर दिया, यहाँ पे कोई अल्फाबेट लिख देंगे वो, अब उस अल्फाबेट का बोलेंगे कि भाई इस अल्फाबेट में क्या वैल्यू आएगी, तो इन चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, सही है। बसेस की वैल्यू उसको पता होना चाहिए कि कौन सी बस कौन सी है, सही है। अब देखो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कुछ चीज़ें हैं, कुछ की पॉइंट्स अपने खुद बना लो, खुद बनाने, मैं नहीं बना रहा, खुद बनाने आप लोगों ने। जैसे आप लोग यहाँ यहाँ पे दिख रहा है कि भाई कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की एक डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, और अगर सिस्टम क्लॉक और कंट्रोल यूनिट की बात करें तो वन वे एरो है जो कि कंट्रोल यूनिट और सिस्टम क्लॉक को कनेक्ट करता है, सही। इसको समझने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये तरीका है कि इनके की पॉइंट्स बनाओ कि भाई अगर कंट्रोल यूनिट और सिस्टम क्लॉक को आइडेंटिफाई करना है तो जो एरो वाली साइड है वो कंट्रोल यूनिट होगी, और
लिख लो, चलो लिख लो भाई, लिख लो की पॉइंट्स टू कंसिडर वाइल सॉल्विंग पिक्चर क्वेश्चन। जब भी पिक्चर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप लोगों ने कुछ पर्टिकुलर की पॉइंट्स को कंसिडर करना है। सही है। सबसे पहली चीज़ है जो हमें यहाँ से समझ आ रही है वो ये है कि ALU एंड कंट्रोल यूनिट विल हैव एंड कंट्रोल यूनिट विल हैव डायरेक्ट बाई डायरेक्शनल कनेक्शन, बाई डायरेक्शनल कनेक्शन, और यहाँ पे एरो बना लो, लेट मी मेक दैट ओवर हियर, कुछ ऐसा एरो होगा। सही है, पहला पॉइंट हो गया उसका आइडेंटिफाई करने के लिए। अब अगर आपको मेन मेमोरी का कॉन्सेप्ट करना है तो मेन मेमोरी विल हैव आइडेंटिफाई करना, अगर मेन मेमोरी को मेन मेमोरी विल हैव डायरेक्ट कनेक्शन विद जनरल पर्पस रजिस्टर्स, जनरल पर्पस रजिस्टर्स। एरो के शेप क्या होगा? टू डायरेक्शन। मेन मेमोरी और जनरल पर्पस रजिस्टर्स में टू फेस्ड एरोज होंगे। यहाँ पे देखो, आगे बढ़ते सर, मेन मेमोरी SSD नहीं होती। हाँ, SSD ही होती है। हाँ, ये अब हम बात करते हैं, कंट्रोल यूनिट को कर लिया, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो गई, सिस्टम क्लॉक। सिस्टम क्लॉक विल हैव यूनी डायरेक्शन कनेक्शन, यूनी डायरेक्शनल कनेक्शन, एरो बना लो, फिर एरो फेस कर रहा होगा कंट्रोल यूनिट की तरफ। सही। तो रजिस्टर तो कॉल फोन कर रहा है यार। देखो, रजिस्टर्स के अंदर जो डाटा है वो आपका दोनों तरीके से स्टोर हो सकता है, मेन मेमोरी से भी, सेकेंडरी मेमोरी से भी। रजिस्टर्स अलग चीज है, अलग कंपोनेंट है। बना लो डायग्राम, लेकिन अभी चलो रुक जाओ, एक मिनट रुको। अब हमें बसेस के बारे में बात करनी है। सबसे आसान बस जो है आप लोगों के लिए वो है, लेट मी टेल यू, एंड इट्स अ कंट्रोल बस। कर लो, चलो ड्रॉ कर लो। चलो भाई, अब हम बसेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है डाटा बस। डाटा बस क्या होती थी? बाई डायरेक्शनल होती थी। बाई डायरेक्शनल का मतलब है एक ही
वक्त में, एक ही टाइम पीरियड में आपका दोनों जगह डाटा ट्रांसफर हो सकता है। लेट मी ड्रॉ एन एरो फॉर दैट। वेट, यहाँ से ले देते हैं। डबल फेस्ड एरो विद एरो इन इट। सही है। जब भी डेटा बस को आइडेंटिफाई करना हो तो भाई हमें यहाँ पे देखा हमने कि एक ये वाली जो डायग्राम थी, एक ये जो एरो है, ये वाला एरो और ये वाला एरो, ये दोनों सेम है लेकिन सेम नहीं है। गौर से देखो कि यहाँ पे हम लोगों के एक्स्ट्रा एरोज भी मौजूद हैं, तो ये बेसिकली शो कर रहा होता है कि ये बाई डायरेक्शनल है और आपका डाटा इधर उधर जा सकता है। चलो अब इसको हम लोग नोट डाउन करते हैं, डेटा बस इज बाई डायरेक्शन, ब्रैकेट में लिख लो इसको। और कोई इसमें से हिंट निकाल सकते हैं हम लोग डेटा बस की? एनीथिंग एल्स? आई गेस डेटा बस किसी और चीज से कनेक्टेड है? नहीं, बस एक चीज और लिख लो उसके बारे में, डेटा बस के बारे में। एक मिनट, इसके बारे में एक चीज और लिख लो, इस एरो से कंफ्यूज अभी मत हो। बाई डायरेक्शन होती है, इट विल ओनली हैव कनेक्शन, ओनली हैव कनेक्शन, इट विल ओनली हैव कनेक्शन विद मेमोरी एंड जनरल पर्पस रजिस्टर्स। विद मेमोरी एंड जनरल पर्पस रजिस्टर। ये वाली हिंट ज्यादा बेहतर रहेगी आप लोगों के लिए। जो भी पर्टिकुलर एरो जिसके कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ मेन मेमोरी और जनरल पर्पस रजिस्टर से हुआ हुआ हो, उसको हम लोग डेटा बस कहेंगे। यहाँ पे देखो, अगर इस पर्टिकुलर एरो की बात करूँ तो इसका कनेक्शन कंट्रोल यूनिट के साथ भी हुआ हुआ है, तो ये हम लोग की एड्रेस बस कहलाएगी, नहीं? सही है, डेटा बस हो चुकी है। डेटा बस के बाद कंट्रोल बस जल्दी से कर लेते हैं। कंट्रोल बस इज अ यूनी डायरेक्शनल बस, तो कोई भी एरो जिसके सिर्फ एक एरो हो वो बेसिकली कंट्रोल बस कहलाएगी, डायरेक्शनल बस। देखो ये वाली जो बस है, ये आपकी यूनी डायरेक्शनल बस है जो कि कंट्रोल यूनिट के साथ और मेन मेमोरी के साथ कनेक्टेड है, जो कि सिग्नल्स रिलेटेड टू कंप्यूटर उसको ट्रांसफर करेगी। एरो बना लो अगर बनाना है, वन शेप्ड एरो बनेगा। द लास्ट थिंग दैट वी हैव इज एड्रेस बस। एड्रेस बस विल बी कनेक्टेड, ये भी बाई डायरेक्शन होती है। सर वन शेप्ड कैसे? यहाँ पे देखो, वन शेप्ड इसलिए बन रहा है। हाँ सही कर लेना। एड्रेस बस विल बी कनेक्टेड फ्रॉम मेन मेमोरी एंड GPR लिख रहा हूँ मैं, एंड GPR एंड इट विल ऑल्सो हैव कनेक्शन, एंड इट विल ऑल्सो हैव कनेक्शन। अब इसको याद करने मत बैठ जाना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होते जाओगे इसमें। एंड विल ऑल्सो हैव कनेक्शन विद कंट्रोल यूनिट, विद कंट्रोल यूनिट। उफ मेरे खुदा, यहां तक लिखो पहले। पहले इसको लिख लो फिर बात करते हैं इस पर। तो बनाओ
यहाँ तक हो जाए फिर आगे देखते हैं। सही है, यहाँ तक अभी आज की क्लास रखते हैं जिसमें हम लोगों ने डायग्राम को देख लिया। अब आप लोगों का एक छोटा सा पार्ट रह गया विच इज़ योर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्ट, जिसको इंशाल्लाह आई गेस 20 मिनट्स चाहिए मुझे आप लोगों के, और बस मोर देन अराउंड 10 मिनट्स कर लो, 10 to 15 मिनट्स, बस 10 to 15 मिनट्स का कॉन्सेप्ट है इंटरप्ट का, तो उसको ख़त्म कर